मैं हिंदुस्तान की हुकूमत, यहाँ के राजाओं और नवाबों को ये बताना चाहता हूँ कि वो किसानों को प्रताड़ित करना बंद कर दे, क्योंकि अन्य लोग जब सरकार से नाराज होते हैं तब वह कानून तोड़ते हैं, लेकिन जब सरकार से किसान नाराज होते हैं तो वे सिर्फ कानून ही नहीं तोड़ते बल्कि सरकारों की पीठ भी तोड़ देते हैं। ये कहना था दीन बंधु रहबरे आजम सर छोटू राम का, जिस तरह से किसानों ने लगभग एक साल से आंदोलन करते हुए केंद्र सरकार को झुकाया, ऐसे में सर छोटू राम का ये कथन देश के मौजूदा घटनाक्रमों पर बिल्कुल सटीक बैठता है। नमस्कार, मेरा नाम है अखिल हुसैन और आप देख रहे हैं हरियाणा तक। इससे पहले कि आप अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना शुरू करें और ये पता लगाने की कोशिश करें कि आज हम अचानक से सर छोटू राम का जिक्र क्यों कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि आज सर छोटू राम की जयंती है। आज ही के दिन यानी 24 नवंबर 1881 को रोहतक जिले के गढ़ी सांपला गांव में एक किसान परिवार में उनका जन्म हुआ। उनका असल नाम रीछपाल था। शुरुआत के 4 साल सर छोटू राम ने पास ही के एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई की। उसके बाद इंटर की पढ़ाई के लिए वो दिल्ली चले गए। 1905 में उन्होंने दिल्ली के मशहूर कॉलेज सेंट स्टीफन से ग्रेजुएशन किया। उसके बाद 1910 में उन्होंने आगरा कॉलेज से वकालत की डिग्री हासिल की। पढ़ाई लिखाई में सर छोटू राम की खूब रुचि थी। साल 1915 में उन्होंने जाट गैजेट नाम से एक अखबार भी निकालना शुरू किया, जिसके बाद 1916 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। लगभग 4 साल तक वो रोहतक जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे। दोनों विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने ब्रिटिश इंडियन आर्मी में जाट बहुल इलाकों से हजारों की संख्या में युवाओं की भर्ती करने में अंग्रेजी हुकूमत की मदद की। 1923 में सर छोटू राम ने कांग्रेस से मतभेद के चलते अपना त्याग पत्र दे दिया और अपनी खुद की ही अलग पार्टी बना ली, जिसका नाम उन्होंने यूनियनिस्ट पार्टी रखा। यूनियनिस्ट पार्टी, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि वो अलग अलग धर्मों और जातियों के किसानों को जोड़कर बनाई गई थी, जिसके केंद्र में था केवल किसान और किसानी। 1937 के पंजाब प्रांतीय चुनावों में सर छोटू राम की यूनियनिस्ट पार्टी ने 175 में से 99 सीटों पर जीत दर्ज की। इसके बाद सरकार में उन्हें राजस्व मंत्री की जिम्मेदारी मिली, जो ताउम्र उनके ही पास रही। सर छोटू राम ने किसान और किसानी के लिए कई ऐतिहासिक सुधार किए, जिन्हें हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। भाखड़ा बांध के लिए बिलासपुर के राजा से एग्रीमेंट करना, साहूकार रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत साहूकार का पंजीकरण हुआ और ब्याज के ऊपर ब्याज लगाने वाले प्रावधान पर भी रोक लगी। पंजाब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट एक्ट 1939 यानी APMC, ये वो कानून था जिसने इस देश में मंडी की व्यवस्था की नींव रखी। सर छोटू राम को मंडी व्यवस्था का जनक भी कहा जाता है। आपको बता दें कि सर छोटू राम का कोई बेटा नहीं था, उनकी केवल एक ही बेटी थी। ऐसे में जब उनसे एक बार पूछा गया कि आपका कोई बेटा नहीं है तो वंश आगे कैसे चलेगा, जिसका उन्होंने जवाब दिया कि पलवल से पेशावर तक जो हल हथेली पर हाथ रखता है और जिसके कुर्ते से मेहनत के पसीने की गंध आती है, वो सब मेरे बेटे है। वर्तमान में सर छोटू राम के एक नाती है चौधरी बीरेंद्र सिंह, जो हरियाणा भाजपा के बड़े नेता है, और उनके बेटे चौधरी बृजेंद्र सिंह हिसार लोकसभा से भाजपा के सांसद है। तो ये थी कहानी सर छोटू राम की, किसानों और किसानी के लिए उनके द्वारा किए गए सुधारों की और आज ही के दिन मनाई जा रही उनकी जयंती की। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हरियाणा से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखना ना भूलें हरियाणा तक, और हरियाणा तक को YouTube, Facebook, Instagram और Twitter पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। शुक्रिया।